again. Not fully this time, guys. So हम नापोली उतर गए हैं अभी अगेन into the bus. जी हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए, अब इधर हम वेट कर रहे हैं उबर का. उबर वाला आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, 6-7 मिनट हो गए, अभी तक आया तो नहीं है. सो लेट्स सी. मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है इस टाइम, है ना ब्रो? इस टाइम यानी हबस वाला, लेकिन इस टाइम पता नहीं सही चल रहा क्योंकि यहाँ पर हाँ समंदर है ना, वो ही ना बीच एरिया वगैरह साथ में, तो देखते हैं डेट है. उबर का वेट कर रहे थे लेकिन उबर बाबर जो राइड्स थी वो जो ड्राइवर था कैंसिल कर रहा था, तो हमने अब आए हैं इधर बस. यहाँ से हमने लिए बस, एक पर पर्सन 5 यूरोस है बस के, तो अब यहाँ से हमें बस लेके जाएगी होटल पे. हाय ब्रो, कैसे हो? क्या हुआ, भूख लगी हुई है? किससे? इस्पानिया से? अच्छा, इटालिया से. हाँ जी हाँ जी. तो गाइस होटल हम पहुँच गए हैं, रात के 12:30 बज गए, आपको भी कुछ खाना पीना भी है, फिर देखते हैं. यहाँ पर कहते हैं डेंजरस एरिया ये वाला, यानी नापोली सारी डेंजरस है, हम देखते हैं क्या करना है. चलो, आई हैव एन रिजर्वेशन फॉर माय साउथ खान. या फॉर श्योर. और आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ऑल ऑफ अस और जस्ट फॉर वन? ओके. सो ये एंट्रेंस है होटल की. दे हैव ब्रेकफास्ट एज वेल, सुबह फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं. सो गाइस फाइनली वी आर इन आवर रूम, इट्स अ 4-star होटल. लेट्स सी द वॉशरूम. ओह यस, सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम नापोली यानी कि नेपल्स, इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो नेपल्स बनता है, हम पहुँच गए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेफली. अभी हम होटल में, तो यहाँ पर हम रात को इसलिए नहीं आउटिंग हमने की क्योंकि हैवी वीकेंड की रात है, फिर भी हम बाहर नहीं, क्योंकि ये डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया ऐसी है, फिर जैसे कराची का खुरंगी वगैरह ना, जैसे हम सुनने में आते हैं डेंजरस है वो. सो ये भी ऐसे ही है सेम, यहाँ पर माफिया गैंगस्टर वगैरह हर जगह. अभी हम बाहर देखे यहाँ के जो हालात है ना, दे आर नो रूल्स, लाइक फीलिंग ही नहीं आ रही कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कराची में कहीं या नहीं कहीं, कराची के कहीं करोंगी वगैरह में घूम रहे हैं, ऐसी सही सेम फीलिंग्स आ रही है. यहाँ पे माफिया गैंगस्टर है सारा कुछ, यहाँ पे हर तरह जो इलीगल यानी हर जगह यहाँ पे ऐसी है, किसी बाइक्स वगैरह चला रहे हैं विदाउट हेलमेट्स, अंडर 18 सब. यहाँ पे कोई देखने वाला, कोई पुलिस वाला, कोई कुछ भी नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइट देख के आए हैं, सो इसलिए हम बाहर निकले. इंशाल्लाह सुबह हम घूमे फिरेंगे तो आपको सुबह अपडेट करेंगे इंशाल्लाह. Good morning guys, it's our first day in Napoli. So अभी हम उठे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ का. सो हियर इज आवर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस, सम सीरियल्स, क्रोइसन एंड अदर थिंग्स. गाइज कम ऑन ग्रैब. It's everything is halal in the bakery. Just grab it. Okay, so they have many donuts as well. Here, some eggs. What? इस बाकी बातें छोड़ेंगे, आप चेक करें. ये इटली है. क्या बात है? ये वाली नहीं हमारी, ये एयरपोर्ट वाली है. हम अभी यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं. सर यहाँ पे देखें, कोई बेल्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हम घूम फिर रहे हैं नापोली. ये जी यहाँ की लोकल मेट्रो ही आप इसको कह लें, लोकल मेट्रो ही यहाँ की. कोई टिकट वगैरह चेक करने वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने पेमेंट कर ली थी नीचे. यहाँ पे हमारा स्टॉप आ गया, यहाँ पे हम उतरेंगे.
नापोली की ट्रेन। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे एग्जिट के लिए, नीचे एग्जिट कहीं भी नहीं है। ये जी बीच एरिया सारा, यहाँ पर हम बाहर निकले नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ायदा नहीं है बाहर घूमने फिरने का। यहाँ पर ये सारा बीच एरिया है, यहाँ पर बोट्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन बाहर निकलने का फ़ायदा नहीं है। अब हम जा रहे हैं दूसरे जो यहाँ की जो पिज़्ज़ा शॉप है जो सबसे फेमस है वर्ल्ड में, वर्ल्ड बेस्ट पिज़्ज़ा, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरी एक ये फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है ये, वो दूसरी जो थी ना जिसमें वो मेट्रो थी जिसमें पहले हमने सफ़र किया, ये आ गई है बुलेट ट्रेन। अब हम इस पे जाएंगे बीच एरिया में, बीच साइड पे हम जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी है, यानी दूसरी टाइप की नहीं है। व्हाट ब्रो ऑन द स्क्रीन, ये अच्छी है। मेट्रो तो एवं ही थी, बिल्कुल ही बेकार थी जो मेट्रो थी यहाँ की। हम पहुँच गए इधर जो वर्ल्ड मोस्ट फेमस जो पिज़्ज़ा है वो शॉप। रश चेक करें आप, वो पीछे लाइन देखें, वो सारी लाइन लगी हुई है पिज़्ज़ा के लिए। रश देखो यार, टिकट लेना है, नंबर लेना है, यहाँ पे ये क्या बना हुआ यार ये। तो जी हम पहुंच गए हैं अभी जो है ना वर्ल्ड मोस्ट फेमस जो पिज़्ज़ा है ना, जो यानी सबसे जो मशहूर है, जो सबसे वर्ल्ड बेस्ट है, वहाँ पे भी हम पहुँचे। जरा आप ये लाइन चेक करें, ये यहाँ से शुरू हो रही है, वो पीछे यार लाइन में लगो, वो बंदे पीछे से आई जा रहे हैं। ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये देखें ज़रा, ये सब नीचे, ये सारी लाइन है, इधर से ये घूमती हुई ये सारी लाइन है, सारा रश ये पिज़्ज़े के लिए यहाँ पर। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है लेने पर। सबसे पीछे आके लाइन में, सो वी आर स्टैंडिंग राइट हियर राइट नाउ एंड ऑल यू कैन सी दिस, ऑल द क्राउड जस्ट फॉर पिज़्ज़ा। सो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, लाइन में तो लग गए हैं अब। सो ये ब्रांच आप चेक करें कब की है, 1870 की ये पुरानी ब्रांच, यानी 150 ईयर्स हो गए इस ब्रांच को, 150 ईयर्स पुरानी ये ब्रांच है। अभी आधा घंटा हो गया लाइन में लगे भी, लेकिन वहीं के वहीं हम खड़े हुए हैं। सुनने में आए तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ऑर्डर लेने में। अच्छा तो भाई 1.5 घंटा वेट करके पता अब चला कि यहाँ से टोकन लेना है इस जगह से, तो ये सब वेट कर रहे हैं जो पीछे चेक करें। यहाँ से हमने टोकन लेके हमारा नंबर शुरू होगा, वहाँ पर फिर हमने वेट करना है अगेन उस जगह पे। अब यहाँ से सिर्फ हमने पेमेंट वगैरह करनी जो कुछ चाहिए, यहाँ पर हमने पेमेंट करके वहाँ पर रखना, फिर अगेन वेट करना है, वो नंबर चल रहे हैं अभी। ये इतना एक 1.5 घंटे बाद मुझे चला कि सिर्फ यहाँ टोकन लेने के लिए खड़े हुए हैं और वहाँ पर जाकर फिर अगेन वेट करना है। सो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स मेरी बारी आ गई है, ज़रा पीछे लाइन चेक करें। हाय, तो अभी अगेन वेट करना पड़ रहा है, ऑर्डर पेमेंट कर दिए, ज़रा चेक करें। अब हम बैठ गए रोड पे, अभी हमने अगेन वेट करना है, हमारा अभी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा, पता नहीं कब रेडी होगा, अब वेट कर रहे हैं। ये सारे जो है ना सिर्फ लाइन में लगेंगे यहाँ से पेमेंट करने के लिए। सो फाइनली गाइस आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर के बाद देखते हैं पिज़्ज़ा कैसा है यार। इसके लिए जो है ना 3 घंटे मुझे लाइन में लगने पड़े हैं, ये इस चीज़ के लिए चेक दिस, 3 घंटे लेने के लिए, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट पिज़्ज़ा। तो गाइस आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ, एक टेस्ट तो कर लेकिन दोबारा आपको आपके लिए जाने का फिर। Probably the best pizza I have ever made in my entire life. 3 घंटे वेट करने का जो है ना, वो कहते हैं ना सबर का पहल मीठा होता है, सेम चीज़ यार। चुप करो यार, ठीक मज़ा ही आ गया यार कसम से। इटालियन पिज़्ज़ा द बेस्ट, दिस वन इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा इन द वर्ल्ड। ये चेक करें आप पिज़्ज़े के जो है ना, ये थिन लेयर चेक करें, कितनी थिन है थिन लेयर, बहुत बहुत ही मज़े का यार। I can't explain how this thing. So guys, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है, अब
And both of you, I'm so tired, so I'm going right now to the massage center because I'm so tired. तो यहाँ से फिर होकर फिर मिलते हैं आपको एयरपोर्ट में. हमने भी जाना है दो घंटे बाद की हमारी फ्लाइट है. हम वहाँ से फ्री वेयर होके अब इधर आए हैं. हमारी फ्लाइट डिले हो गई है तो अभी तक घूम फिर रहे हैं. फ्रेश ऑरेंज का जूस हमने लिया. हाँ जी, तो एयरपोर्ट हम आ गए हैं. फ्लाइट हमारी लेट हो गई थी, थोड़ा सा घूम लिया था सिटी अगेन. तो अब यहाँ से ऑनलाइन हमारे बोर्डिंग पास निकले नहीं है. कोई इशू आ रही है एप्लीकेशन में. अब बोर्डिंग पास यहाँ से हम निकालेंगे. यार ये कराची है. सो गाइस, वी हैव मिस्ड आवर फ्लाइट. एक्चुअली हुआ ये कि हमारी फ़्लाइट 9:30 की थी यहाँ से नापोली से. तो 7:00 मुझे मेल आई है कि आपकी फ़्लाइट जो है ना डिले हो गई है 3 घंटे. ऑनलाइन बोर्डिंग पास जो है ना वो निकल नहीं थे रहे. मैंने वो ट्राई किया था एप्लीकेशन से, लेकिन वो कह रहे थे यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट फॉर द बोर्डिंग पास. सो मुझे यही था कि हमारी फ़्लाइट अब 3 घंटे डिले हो गई. 12:30 की होगी फ़्लाइट, तो हम एयरपोर्ट 11:00 चले जाएंगे, 11:30 चलेंगे वहाँ पर जाके तब, या 11:00 चले जाएंगे वहाँ पर जाके हम जो है ना बोर्डिंग पास निकाल लेंगे. खैर 11:00 छोड़ के हम 9:30 हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं. 9:30 एयरपोर्ट पे आए, यहाँ पर पता चला चेक इन ये सब बंद हो गए हैं और ऑनलाइन भी जो है ना बोर्डिंग पास वगैरह नहीं थे निकले. तो फिर इसकी वजह से हमारी फ़्लाइट जो है ना कैंसिल हो गई. ये वाली तो कही सा अब वी हैव बुक्ड अनदर वन. हमने अब एक और फ्लाइट बुक कर ली है. सो वी आर वेटिंग हियर. सो गाइस, हम इधर अब एयरपोर्ट पे बैठ के जो है ना टाइम पास कर रहे हैं. आई हैव बीन वेटिंग हियर. चलो चलो, 1 2 3 हाँ तो गाइस, इट्स अवर अनदर डे इन नापोली अगेन बिकॉज हमारी फ्लाइट जो है ना रात को मिस हो गई थी. मिस ऐसे हुई थी कि हमारी 9:30 की फ़्लाइट थी रात की 9:30 की. एक सेकेंड, शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. हमारी फ़्लाइट जो थी वो 9:30 की थी रात को. मैं तकरीबन जो हमारा ना ऑनलाइन जो है ना बोर्डिंग नहीं थी निकल रही, तो तकरीबन 7:00 मुझे मेल आई. मैं सिटी में था इस टाइम जो है ना, उस टाइम मैं नापोली सिटी में था. मुझे रात को 7:00 मेल आई है कि आपकी जो है ना फ़्लाइट 3 घंटे डिले हो गई है और ऑनलाइन बोर्डिंग भी नहीं थी निकल रही. 3 घंटे मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है. मैं ईजी हो गया. मैंने बोला कि फ्रेंड्स भी, हमने बोला कब फ़्लाइट डिले हो गई है तो हम जो है ना एयरपोर्ट लेट चलेंगे. तो तकरीबन हम एयरपोर्ट आए हैं 9:30 एयरपोर्ट आए हैं. जब एयरपोर्ट आए तो पता चला कि जी बोर्डिंग जो है ना वही बंद हो गई है. चेक इन ही बंद हो गया था, यानी बोर्डिंग उस टाइम नहीं थे दे रहे. तो ऑनलाइन बोर्डिंग पास भी नहीं थे निकल रहे, यही तो मसला बना हुआ था. फिर चेक इन भी क्लोज हो गए. फिर हमें पता चला कि जी हमारी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई. अब हम जो है ना फ्लाई नहीं कर सकते, तो चेक इन नहीं कर सकते. फिर उसके बाद जो है फिर हमने एक और फ़्लाइट निकाली है सुबह की. वो फ़्लाइट थी 10:00. अभी 1 घंटा रह गया, 1 घंटे बाद हमारी अब दूसरे, पहले बार्सिलोना की फ़्लाइट थी यहाँ से, नापोली से बार्सिलोना की थी. अब यहाँ से जो है ना स्पेन का सिटी है बिलबाओ, वहाँ की हमारी फ़्लाइट है. तो अब इंशाल्लाह फिर आपको रास्ते में बिलबाओ की अब दिखाई हुए रहेंगे यहाँ. तो वो एक तो हमारी फ़्लाइट मिस होगी, वो ज़्यादा गई सारी कैंसिल वगैरह होगी. अब नहीं, हमने बुकिंग की है सब कुछ अगेन. तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं बिलबाओ में यहाँ रास्ते में. दिखाई है एयरपोर्ट से उतरती बाहर निकलते ये बस हमें लग जाएगी सिटी सेंटर. 3 यूरो की इसकी टिकट थी और वहाँ से फिर हम जो है दूसरी बस चेंज करके चले जाएंगे. लेकिन हमारी दूसरी बस का शेड्यूल थोड़ा सा 3-4 घंटे बाद है. वो 3-4 घंटे अब हम सिटी घूमेंगे. बिलबाओ सिटी काफ़ी प्यारा बनाया है इन्होंने. ये सोना टाइम जैसे होता है, सोना रूम जो होता है उस टाइप का बना हुआ है. लेकिन हवा ठंडी है बिल्कुल, ये स्मोक जो है. तो पैदल सफ़र करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं. ये कोई हलाल था इनकी, हमने फ्राइड चिकन लिए. कैसा टेस्ट है? ठीक है. कैसा लगा आपको? KFC जैसा है? नहीं. हाँ जी नासर ब्रो, कैसा टेस्ट लगा? मज़े के? उसको तो मज़े की लगी है यार. चलें हम भी ट्राई करते हैं. मेरी तो आई सबसे लास्ट पे थी.
माशाल्लाह बिलबाओ सिटी भी काफ़ी प्यारा है। ये यहाँ पर ये जैसे वो बार्सिलोना में बनी है उस टाइप की बनी हुई है बिल्ली। ये तो बिल्ली तो नहीं है, ये कुछ और ही है, डॉगी है। वहाँ पर ब्रिज भी बड़ा प्यारा है इस टाइम, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है उस साइड पर जाने वाले। देखते हैं अब, गर्मी है काफ़ी आज। चलो चलो गाइस, ऑनलाइन टिकट्स वी हैव टू बुक फ्रॉम हियर टू गो इनसाइड, लेट्स सी। ये अंदर म्यूजियम टाइप था, टिकट्स लेने पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था यहाँ पे, तो भी हम फिर यहाँ से बाहर निकल आए, यहाँ से कहीं और घूमते फिरते हैं और आपको दिखाते हैं। इस साइड पे रिवर है, ये स्पाइडर बना हुआ है, कितना बड़ा है। यहाँ पे कॉल स्टीम, तो ब्रिज साइड पे हम आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो स्टारबक्स आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये चेक करें, ये जो एक वेंटे इनका जो लार्ज होता है वो हमें कॉस्ट किया है 5 यूरोज़ का, यानी बहुत ही अच्छा रेट है यहाँ पे स्पेन में। ये हम फ्रांस में लेते हैं, यहाँ फ्रांस में तो इसका 7 यूरोज़ है, और ये स्विस में इसका 9 यूरोज़ है, जर्मन में भी सेम 8 यूरोज़, स्पेन में सस्ता है काफ़ी। ये बिलबाओ की मेट्रो है, काफ़ी चीप है यहाँ की, तो 170 की पड़ी है एक राइड। हमारी अब इस साइड पे, इस साइड पे देखते हैं किधर हम किस साइड पे जाना है, गूगल मैप से देखना पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ सुथरा ये इन्होंने बनाया हुआ है बिलबाओ सिटी जितना भी कंप्लीट। अब ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन इन्होंने ऐसे बनाया जैसे एयरपोर्ट होता है, यहाँ से वही स्कैनर वाला सिस्टम जो बस हम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हैं, हमें बार कोड मिलता है वो यहाँ से स्कैन करके नीचे जाना होता है। बहुत ही प्यारा वेटिंग एरिया और हर चीज़, ये ऐसी जैसे एयरपोर्ट पर हम, बस स्टेशन तो लग ही नहीं रहा। बिलबाओ सिटी बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया, सारे जो है ना सफाई का इन्होंने बहुत ख्याल रखा हर जगह पर। तो पंपलोना हम पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पे कुछ खाने पीने आए हैं, यहाँ पे एक टैली पिज़्ज़ा वाले ने ऑफर लगाई है कि 7 यूरो पे करें और अनलिमिटेड खाए पिए जितना मर्जी है पिज़्ज़ा, तो अभी यहाँ पिज़्ज़ा रखा तो फिर घर चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच गए हम, तो हम फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।